गाइस वेलकम बैक सो बॉस यश बॉस आ चुके हैं अब मैदान में और भाई साहब आज इंटरव्यू हुआ है हॉलीवुड रिपोर्टर वालों ने इनका इंटरव्यू लिया है और यार मैंने जब आपको शाम को न्यूज दी थी तो मेरे को एकदम से क्लिक नहीं हुआ लेकिन वो भी वहां पर भी अनुपमा चोपड़ा ही है एंड एज यू नो कि इससे पहले जो यश ने इंटरव्यू दिया था वो भी सिर्फ और सिर्फ फिल्म कंपेनियन को ही दिया था तो मुझे सडनली जब मैंने अभी इंटरव्यू देखा और अभी भी चल रहा है अभी तो मैंने कंप्लीट नहीं किया लेकिन जो मैंने गिम्सिस देखी और देखा मैंने कहा अरे यार ये तो वही मतलब इंटरेक्शन है जहां से उन्होंने लीव किया था और उसके बाद यहाँ पर काफी सारी बातें हुई हैं टॉक्सिक के अलावा एक और बहुत धमाकेदार न्यूज जो है वो आ चुकी है तो वो न्यूज के बारे में बात करने वाली हूँ और अभी तो इंटरव्यू आप ये देखो कि इसमें काफी सारी चीजें ऐसी होंगी निकल के आएंगी जो मैं आपको कल अपडेट करूंगी सुबह बिकॉज अभी मैंने अभी ये सिर्फ आया है और मैंने इसको पूरा कंप्लीट देखा नहीं है बट जो मेन हाईलाइट है ऑफ दिस इंटरव्यू इज अ मैड क्रेजी अपडेट ठीक है तो अपडेट के बारे में बात करते हैं पहले की अपडेट क्या है अपडेट बेसिकली ये है दैट यश ने साफ तौर पर खुलकर ये बता दिया है कि रामायण में वो रावण का किरदार निभाने वाले हैं भाई देखो यार ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि लोगों को नहीं पता थी लेकिन यहाँ पे राइट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ जब हम सुनते हैं एक्टर मतलब यश इज समथिंग जो भाई बहुत ही कम बोलते हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि वो बहुत रिजर्व रहते हैं ही हैज अ डिमीनर लाइक अ लायन कि मतलब वो खुद ही बोलते हैं इस बात को कि मैं आई एम नॉट हु जस्ट की बस छोटा छोटा कुछ मीडिया बाइट दे दी ये कह दिया वो कह दिया भाई वो शान से रहते हैं कॉन्फिडेंस से रहते हैं और वो कभी भी सेल्फ डाउट में आते नहीं है ये भी उन्होंने ये बात बोली है कि टॉक्सिक के टाइम पे भी उससे पहले भी KGF के के टाइम पे भी लोगों ने उनके ऊपर भरोसा नहीं किया लेकिन उनको हमेशा खुद पे भरोसा था तो आप ये सोचो कि ऐसा एक्टर जब अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते तो ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि उनके मुंह से निकलवाना कोई आसान चीज नहीं है लेकिन यहाँ पर हुआ है और यहाँ पर उन्होंने बोला है कि भाई साहब रामायण में वो रावण के कैरेक्टर में होंगे भाई मतलब आई थिंक दिस विल बी द मोस्ट एपिक 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 कैरेक्टर रावण कैरेक्टर जो हमने इससे पहले देखा हो क्योंकि प्रभु श्री राम का तो हमको पता ही है ये भी पता है कि सीता माता ओके okay, फाइन मगर जो कैरेक्टर रावण का है ना वो इतना इसमें इतने सारे शेड्स हैं वो वैसे तो इट्स अ ग्रे कैरेक्टर बट उसमें इतने सारे शेड्स हैं पॉजिटिविटी के भी शेड्स हैं नेगेटिविटी के तो हैं ही लेकिन वो हमारे को हमेशा से ही राउंड का कैरेक्टर इतना यू नो अट्रैक्टिव क्यों लगता है क्योंकि उस उस कैरेक्टर में कुछ पॉजिटिविटी भी है वो इतने बड़े शिव भक्त थे और और भी कई सारी चीजें थी ऑफ कोर्स ही डिड रॉन्ग और वो सही वो बिल्कुल ठीक नहीं किया था जो उन्होंने किया था बट आई थिंक वो कैरेक्टर प्ले करना हर एक एक्टर एक के बस की बात नहीं है लेकिन यहाँ पर यश की अगर कास्टिंग हुई है आई एम श्योर इट इज गोइंग टू शेक द बॉक्स ऑफिस लाइक एनी तो ये तो बात हुई ही और यहां पर उन्होंने ये भी बताया कि अफकोर्स जैसे सेल्फ बिलीफ वाली बात है कि उनके उनको ही केवल अपने ऊपर विश्वास था जब शुरू में और किसी को भी नहीं था और उसके बाद बट देन ही जस्ट बिकॉज नोबडी ट्राइड समथिंग डजन मींस की कोई नहीं कर सकता है एंड आई थिंक आई जस्ट लव दैट एटीट्यूड भाई देखो बहुत सी चीजें होती है जो लोग करने से डरते हैं सोचते हैं कि यार जो चल रहा है वो चलने दो तो, जैसा चल रहा है चलने दो तो लोगों को यही पसंद आता है लोग यही देखते हैं लेकिन जब हम यश के बारे में बात करते हैं तो सिनेमा को एक अलग लेवल पर वो जिस तरीके से लेकर गए मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी कहा कि KGF के के थ्रू जिस तरीके से लेकर गए और फिर अब टॉक्सिक में भी वो कुछ नया करने वाले दैट टेक्स अ लॉर्ड ऑफ करेज यूजली क्या होता है कि जब के जैसी फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉक हो गई है मेगा ब्लॉक हो गई है तो उसके बाद लोग उसी सेट ढांचे में काम करना चाहते हैं बिकॉज दैट सेफ बट दैट ऑल्सो किस द एक्टर दैट ऑल्सो किल्स द क्रिएटिविटी एंड ऑडियंस एक टाइम के बाद पक जाती है उस एक्टर से भी उस कैरेक्टर से भी एंड देन द करियर इज ऑल्सो ओवर बट यहां पर यश ने जो बातें बोली हैं काबिल तारीफ है और बार बार मैं कह रही हूं कि भाई आसान नहीं है कि उस मोल्ड को ब्रेक करके कुछ और करना कोई और नई चीज उठाना उस उसमें अपना समय लगाना एंड ऑफकोर्स फैंस वेट कर रहे हैं सब वेट कर रहे हैं सबको वेटिंग में रखना ये भी बहुत बड़ी बात है कभी कभी लोग जल्दबाजी में रहते हैं तीन चार महीने में फिल्म खत्म करी क्योंकि लोग वेट ना करना पड़े लोग वेट कर रहे हैं इस फिल्म का नहीं यश हैज अ वेरी सेफ एंड सिक्योर पर्सनैलिटी एंड आई थिंक दैट इज वॉट मेक्स हिम वॉट ही इज टू सो भाई इंटरव्यू पूरा देखूंगी अभी थोड़ा समय चाहिए कल तक मैं आपको इंटरव्यू की हाईलाइट्स भी दूंगी लेकिन ओवरऑल कन्नडा सिनेमा और कन्नड़ा एक्टर्स मेरे मन में एक अलग ही रिस्पेक्ट है फॉर के एफ आए सो आई एम आई एम रियली विशिंग दैट लेकिन आई एम वेरी वेरी एक्साइट टू सी यश इन टॉक्सिक दिस इज बाय द वे लिट लुक बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छा लग रहा है उनपे सो आप बताओ अगर आपने इंटरव्यू देख लिया तो आपका क्या कहना है इसे लेटमी इन द कमेंट से डोट इट एंड डोटेक्ट टू माई चैनल